हाय फ्रेंड्स, बिहार कार्यपालक सहायक का एक और जिला का आ चुका है ऑफिशियल ज्वाइनिंग लेटर, जो कि आज का ही अपडेट है 28/1/2020 का। तो इसका पूरा अपडेट जानने के लिए वीडियो को देखिए लास्ट तक। और फ्रेंड्स, आप लोग को ज्वाइनिंग का डेट लास्ट कब तक है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आप लोग को जाना है, सब कुछ हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को देखिए लास्ट तक ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो आया है अपडेट, ये आया है आपको किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से। देखिए आदेश यहाँ पर है, तो यहाँ पर देखिए कार्य जो है, यहाँ पर देखिए क्या दिखा रहा है कि पुनः विभिन्न कार्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर जो है योगदान नहीं करने वाले एवं त्यागपत्र देने वाले कार्यपालक सहायकों की कुल 12 रिक्ति उपलब्ध है और उसी के अनुसार जो यहाँ पर जारी किया गया है, जो कि 5 फरवरी 2020 तक के शाम 5 बजे तक आप लोग अचूक रूप से जो सेवा आपको दिया गया है, जो जहाँ पर ज्वाइनिंग करने के कार्यालय, वहाँ पर आप योगदान कीजिए, वरना फिर आपको टाइम पार होने के बाद आप ज्वाइनिंग द्वारा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कुल जो है 12 अभ्यर्थियों का नाम दिया गया है, जो कि त्यागपत्र या किसी कारण से खाली हो गया था सीट, यहाँ पर 12 अभ्यर्थियों का नाम है, पिता का नाम है, कोटी है और यहाँ पर नियोजन हेतु सेवा प्राप्त कार्यालय का नाम, यानी कहाँ पर आप लोग को सेवा दिया जाएगा, यहीं पर आप लोग को ज्वाइनिंग करना है। तो फ्रेंड्स, जो डेट है लास्ट वो है 5 फरवरी 2020 तक लास्ट डेट है, शाम के 5 बजे तक आप लोग ज्वाइनिंग कीजिए, जो दोबारा मौका आप लोग को नहीं दिया जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ बात करते हैं कुछ नियोजन और शर्त का। यहाँ देखिए, ये होगा सिर्फ आपको 3 महीने के लिए ज्वाइनिंग होगा और ये जो है बेल्टन के द्वारा आपको जो है DO का जो एग्ज़ाम है वो पास करना अनिवार्य होगा आपको 3 महीने के अंदर में, तभी आपको आगे रखा जाएगा, वरना फिर आपको अगर आप फेल करते हैं DO एग्ज़ाम में बेल्टन का, तो आपको नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, ठीक है। और जो आपको सैलरी होगा, यहाँ देखिए दिखा रहा है ये वाला, और अगर आप चाहते हैं कि जो बेल्टन का एग्ज़ाम होगा आपको 3 महीने के अंदर में, वो एग्ज़ाम को आप क्रैक करें, पास करें, क्योंकि एग्ज़ाम तो आपको देना ही हर हाल में। तो फ्रेंड्स, मैंने उसके लिए बहुत सारे वीडियो अपलोड किए हैं, उसका सिलेबस बनाया है और उसका एक ई बुक भी तैयार किया है, तो आपको सबका मिल जाएगा प्लेलिस्ट, और जो ई बुक है उसका मिल जाएगा लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए फ्रेंड्स। और इससे पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उस ई बुक की मदद से बहुत सारे लोगों का रिजल्ट भी हुआ है, तो आप भी उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि आपको क्या क्या लेके जाना है। नियोजित कार्यपालक सहायक अपने योगदान के समय जो है सभी वांछित कागजात ले जाना है, मैट्रिक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता अगर है तो कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित मूल प्रमाण पत्र वगैरह, और जो आपका CS है आपके जिला का, तो वहाँ का आपको बनाना पड़ेगा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, तभी आप जाके ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ये सब जानकारी है, बाकी आप जो पढ़ लीजिएगा, ये आपको किशनगंज का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर लिंक इसका मिल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रहा फ्रेंड्स किशनगंज का ऑफिशियल वेबसाइट। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे आइएगा, तो यहाँ देखिए मेरिट लिस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 19-20, यहाँ देखिए ये लिस्ट दिया गया, इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपको वो PDF डाउनलोड हो जाएगा और आप चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से हैं और फॉर्म भरे थे, तो अपना नाम चेक कीजिए, आपका नाम है कि नहीं है, और 5 फरवरी से पहले पहले आप जाके ज्वाइनिंग कीजिए, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आगे भी जॉब्स के अपडेट आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।